हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो यार आज हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू को समझने वाले हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हो 2659745 टू द पावर 1135967 और आपसे पूछा जा रहा हो कि भाई आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए यार हम लोग इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी गिवन क्वेश्चंस का हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यूनिट डिजिट वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से आप मेरी बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रख सकते हो। हम जब कभी भी यूनिट डिजिट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें यार सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए। पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम लोग यूनिट प्लेस पर जाएं और देखें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है यार, देखो हम लोग जानते हैं ना कि ये हमारे पास यूनिट हो गया, ये टेंथ हो गया, हंड्रेड प्लेस हो गया, थाउजेंड हो गया, टेन थाउजेंड हो गया। अरे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ना। यस सर, बिल्कुल पढ़ा करते थे। तो देखो हम लोगों को सबसे पहले यूनिट वाले प्लेस पर जाना है। तो देखो यूनिट प्लेस पर यदि आ जाते हो, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है, फाइव है। तो आप सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जाओ और यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर हो उसको क्या करो, आप राइट कर डालो। तो हमने साहब राइट कर दिया फाइव। अब देखो जो भी पावर आपके पास है उस पूरे पावर को ट्रांसफर कर डालो यहाँ पे। तो हमने लिख दिया यार 1135967967। अब देखो अब हमें क्या करना होगा, इतना आप लिख लिए, यानी पहला स्टेप ये है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी नंबर दिया गया है, आप यूनिट प्लेस पर जाओ, यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, उस डिजिट को एज इट इज राइट करो और पावर को भी एज इट इज राइट कर डालो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें फाइव है और फाइव टू द पावर 1135967 दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखो यदि आप ध्यान से कभी ऑब्जर्व किए होंगे फाइव को, देखो यार कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से समझना। देखो यदि आप 5 टू द पावर 1 करते हैं तो हमें क्या इतना मिलता है, तो आप बोलोगे कि सर हमें 5 मिलेगा। यदि आप 5 टू द पावर 2 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलते हो कि सर 5 टू द पावर 2 करेंगे तो 25 मिलेगा। यदि आप 5 टू द पावर 3 करे हुए तो क्या मिलेगा, तो आप बोलते हो कि सर हमें 125 मिल जाता है। यदि आप 5 टू द पावर 4 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलते हो कि सर 625 मिल जाता है। यदि आप 5 टू द पावर 5 करते हो ना, तो कुछ मिले या ना मिले, लास्ट में देखो आपको एक लास्ट वाले प्लेस पे आपको 5 मिल जाएगा, लास्ट वाले 5 पे मिल जाएगा। यानी आप ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से देखते हो, तो आपको क्या मिलता है। देखो 5 टू द पावर हमने 1 रखा, ठीक, 5 टू द पावर हमने 1 रखा हमें 5 मिला, 5 टू द पावर 2 रखा हमने, यूनिट वाले प्लेस पे हमको 5 मिला, 3 रखा फिर 5 मिला, पावर 4 रखा फिर हमें 5 मिला, पावर 5 रखा फिर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। यानी यार आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सर 5 टू द पावर एनी नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक, एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो ना? यस सर बिल्कुल जानते हैं, जिनका यूज यार हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे पास नेचुरल नंबर है। यानी 5 टू द पावर एनी नेचुरल नंबर हो तो उस केस में हमको यूनिट डिजिट वैल्यू क्या मिलता है, तो उस केस में हमको यूनिट डिजिट वैल्यू 5 ही मिलता है। यूनिट डिजिट वैल्यू हमको कितना मिलता है, 5 ही मिलता है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 टू द पावर 1135967967। तो देखो ये क्या है हमारा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। यस सर बिल्कुल नेचुरल नंबर होगा, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 5 टू द पावर नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हमको यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ से हमको यूनिट डिजिट वैल्यू 5 मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यार यूनिट डिजिट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। हमारा स्टेप वन होता है कि यूनिट प्लेस पर जाएं और वहां पर जो भी डिजिट है उस डिजिट को राइट कर लें, उस डिजिट को यार पकड़ लें, फिर जो भी पावर हमारे पास है पावर को एज इट इज राइट कर दें, एज इट इज राइट कर दें। और फाइव के केस में हमने आपको ऑब्जर्वेशन दिखाया, यानी 1 था 2 था 3 था, तो भी तो आप बोल सकते हो कि 5 टू द पावर एनी नेचुरल नंबर, देन वी विल गेट यूनिट डिजिट वैल्यू एज अ 5 ओनली, सो हियर वी विल आल्सो गेट 5 एज अ यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि सर 5 ना होकर के कोई दूसरा नंबर होता, तो यार लो सपोज कर लो आप हमारे पास 49975 लिखा हो और टू द पावर लिख दिया गया हो 395, और आपको क्या कैलकुलेट करना हो, यूनिट डिजिट वैल्यू, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो यार यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, ओके यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहला स्टेप तो सर हमारा यही होगा कि हम लोग यूनिट प्लेस पर जाएंगे,
यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर 9 है हमारे पास यूनिट प्लेस पर, फिर पावर कितना लिखेंगे 395, और 9 को देखते हैं, देखो 9 पावर 1 रखते हो तो 9 मिलता है, 9 टू द पावर 2 रखते हो तो हमें कितना मिलता है 81 मिलता है, यदि आप 9 टू द पावर 3 रखते हो तो कितना मिलता है, कितना मिलता है, तो आपको यूनिट प्लेस पर 9 ही मिलेगा। यदि 9 टू द पावर 4 रखते हो तो यूनिट प्लेस पे हमको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यदि आप 9 टू द पावर 5 रखते हो तो यूनिट प्लेस पे हमको फिर कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि सर 9 टू द पावर यदि हमारे पास ऑड नंबर है ना, 9 टू द पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट वैल्यू हमें 9 मिलेगी, और 9 टू द पावर यदि हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमें यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। तो अब देखो क्वेश्चन की बात यहाँ पर, मुद्दे की बात यह है 395 ये क्या ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा ऑड नंबर है, तो 9 टू द पावर ऑड, तो 9 टू द पावर ऑड के केस में हमको कितना मिल गया 9 मिल गया, तो हमको यूनिट डिजिट वैल्यू कितना मिलेगा जी 9 ही मिलेगा, हमें यूनिट डिजिट वैल्यू 9 ही मिलेगा। ओके तो यार इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हो, ठीक। तो हम लोग शॉर्ट्स वाले वीडियो भी लाएंगे, साथ ही साथ छोटे छोटे वीडियो भी लाएंगे जहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारे पास आपके पास ऑफर है फिलहाल में, तो 58% अप टू 58% डिस्काउंट का आपके पास ऑफर है। यानी आप अभी फिलहाल में CBSE बोर्ड से अप्लाई कर रहे हो और CUET 2024 की प्रिपरेशन पर हो, ठीक, आप टारगेट कर रहे हो 2024 को, तो आपके पास यार बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ऑफर है। आप क्या कर सकते हो यार, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसकी कॉस्ट है 13,138, फिलहाल में आपको 58% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको कोड लगाना नहीं भूलना है VKVK10, ठीक। आप जब कभी भी सब्सक्रिप्शन लें आप कोड लगाएं VKVK10, आप इस कोड को लगा करके ले सकते हो। आप बोलोगे कि सर मैं तो 12th में नहीं हूँ, मैं पास कर चुका हूँ, मैं पास आउट हूँ, मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ, मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है, मैंने ड्रॉप लिया है, तो ड्रॉप लिए हो तो आपके लिए भी ऑप्शन बढ़िया है, ठीक, आपके पास भी ऑफर है। आप क्या करो, आप अपने डोमेन साथ ही साथ लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के लिए आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसकी कॉस्ट है यार 7,500 रुपये, और आपको 46% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोड लगाने नहीं भूलना है VKVK10, ठीक, आपको यही कोड क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो कुछ बैचेस हमारे रनिंग पर हैं, जैसे विजेता बैच है, लक्ष्य बैच है, तो ये सारे बैचेस हमारे रनिंग पर हैं, आप आकर के पढ़ाई कर सकते हो। प्रारंभ बैच भी हमारे पास है, साथ ही साथ देखो यार निर्मल बैच है, टारगेट CUET वाला बैच है, आप यहाँ पर भी आ सकते हो। आप बोलते हो कि सर आप मुझे आपसे पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल यार आप मुझसे पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं क्वांटिटेटिव कोर्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को लेकर के, ठीक, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को लेकर के मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप आइए क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कोर्स को ज्वाइन करिए और इन्जॉय करिए। ओके तो फिलहाल में आपके पास 25% का ऑफ का ऑफर चल रहा है, आप ऑफर को यूज करिए, आप कोड लगाना मत भूलिएगा VKVK10, ठीक, आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको ऑफर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यार आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। ओके और ये जो ऑफर है वैलिड है सिर्फ 27 जुलाई तक, 27 जुलाई के बाद ये आपका ऑफर जो है वो समाप्त हो जाएगा भाई साहब, तो बिफोर 27 जुलाई आप क्या करिए कोर्स को परचेस कर लीजिए। ओके सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यदि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या करिए यार लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में सेशन को भी शेयर कर दीजिए। ओके सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।